इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। क्या तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? ये सब बेसिक नॉलेज अपने को होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ एक एटम कैसा ले ले, एटम सिंपल हीलियम एटम ले लेते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात हीलियम से याद आया, तुम्हें पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट तुम्हें पीरियोडिक टेबल 1 से 20 to 1 से 30 याद होनी चाहिए, राइट? क्या तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद है? हाय नीरज, पीरियोडिक टेबल आपको याद है क्या? पीरियोडिक टेबल लाइक अगर बात करते पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपको याद है क्या? पीरियोडिक टेबल मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये होमवर्क है स्ट्रेट अवे। आज मैं तुम लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, प्लीज इसे याद रखें, पीरियोडिक टेबल क्या चीज, पीरियोडिक टेबल ना प्लीज आप लोग 1 से लेके 30 एलिमेंट्स तक याद रखिए। 1 से लेके 30 एलिमेंट्स तक याद रखें। एंड मैं आज को ग्रुप में बहुत सारी चीजें आप लोगों को भेजूंगा, मैं आज को ग्रुप में आप लोगों को बहुत सारी चीजें भेजूंगा। आज आप लोगों का केमिस्ट्री का बहुत सारा होमवर्क है, आप लोगों को वो सारी चार्ट्स पूरी याद करनी चाहिए, जैसे क्या आयंस होते हैं, आयंस के लिस्ट, आयंस के नेम्स, रेडिकल्स के नेम्स, ये सब आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सी लिसन, एक बात मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा तुम लोगों का, कि सब कोई बोलते हैं कि केमिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बहुत रटना पड़ता है, केमिस्ट्री बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड और जैसे केमिस्ट्री थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबिलिटी का एरिया है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना याद करना पड़ता है। इसका क्या है, स्कोप थोड़ा बड़ा है, मतलब बड़ा इन सेंस ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री रटना है, लेकिन आपको कुछ भी समझने के लिए आपको जानना तो पड़ेगा। मैथमेटिक्स का क्या होता है, स्कोप बहुत कम होता है, इतना मैथमेटिक्स का स्कोप इतना होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं जानना है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज उसी में इतना बड़ा होगा, लेकिन केमिस्ट्री में है इतना, लेकिन जानना है इतना तब पता चलेगा उतना। बोलो क्लियर? अच्छा, तो आपको ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। सोमोजी गुड मॉर्निंग, क्लास में ध्यान दो, है ना। मोहित, आज हम लोग जनरल जनरल केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई आज चैप्टर नहीं है, तभी दोनों जन को बुलाया गया। सो प्लीज एवरीबॉडी फोकस इन द क्लास। सो पीरियोडिक टेबल आपको 1 से 30 तक याद होनी चाहिए। मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालनी आती है। सबका रिस्पॉन्स चाहिए, हेमंत और रौनक आया नहीं है अभी तक, सबका रिस्पॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको आती है क्या? जैसे मैं सिंपल बात करूं तो नीरज, अगर मैं बोलूं कैल्शियम, कैल्शियम का आपको पता है ना 20 40, ये 20 क्या है, एटॉमिक नंबर। कोई बात नहीं शुभ, मैं सिखा दे रहा हूँ, कैल्शियम का ये 20 क्या है, एटॉमिक नंबर। 20 क्या है, एटॉमिक नंबर। 40 क्या है, मास नंबर। अच्छा ओके, तो 20 जो एटॉमिक नंबर है, इसे हम लोग कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो आप लोग क्लास 10th में बेसिक है, 9th 10th में 2n² है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फॉर्मूला आता है 2n² ये 2n² क्या हो गया। अरे चिंता मत करो, क्लास करने आए हो, आज एक मस्त कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, मस्त माने मस्त, इतना बता दे रहा हूँ 95% स्टूडेंट्स तो छोड़ दो, 50% टीचर्स को वो कंसेप्ट नहीं आता है, इतना मस्त एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ऐसे, प्लीज ध्यान दें, है ना। ठीक, तो कैल्शियम 20 40, ओके। सो इसको 2n² पॉलिसी में कैसे फॉलो करवाते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले होता है अपने यहाँ पे कैल्शियम का न्यूक्लियस, तुम्हें मालूम है ना न्यूक्लियस होता है, और आउटर सर्किल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तुम लोग को ये सब तो पता है ना, या मैं ये सब पढ़ा क्या यार। तो ये अपना कैल्शियम न्यूक्लियस, बोलो क्लियर। तो ये अपना पहला शेल आएगा,
फिर सेकंड शेल आएगा, ये सब तो पढ़ाया गया होगा क्लास 8 7 में पढ़ा देते हैं ये सब, है कि नहीं। तो पहला शेल में अपने को कितना परमिशन होता है, दो। एक्चुअली वो दो कैसे, यहाँ पे ये जो 2n स्क्वायर फॉर्मूला है ना, इसमें n का वैल्यू क्या है, शुड n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल। अच्छा तो ये कितना नंबर शेल है, फर्स्ट शेल है कि नहीं, लेट क्यों आया हिमांत क्लास का ध्यान दे, ये कितना नंबर शेल है, फर्स्ट शेल। तो n का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो यहां पे आपने n का वैल्यू 1 पुट किया तो आपको कितना मिला, 2। सो एक दो इलेक्ट्रॉन की परमिशन, राइट, दो इलेक्ट्रॉन, कहानी सुनना, दो इलेक्ट्रॉन की परमिशन। अच्छा सर बहुत बढ़िया। अच्छा n का वैल्यू सेकंड शेल मतलब n का वैल्यू क्या होगा, 2। ओके n का वैल्यू 2 रखा तो मैंने, मेरे को क्या मिला, n का वैल्यू 2 रखा तो 2 × 2 2 स्क्वायर, अभी 2 स्क्वायर तो था 4 और इक्वल टू 8। अच्छा मतलब हमको 8 शेल, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया सर, अच्छा मेरे को समझ में आ गया। ओके तो सर थर्ड शेल में कितना रखा जाएगा, थर्ड शेल में, तो किसी ने बोला थर्ड शेल में सर आप n इक्वल टू 3 रख दो, तो n इक्वल टू 3 रखने पे क्या आएगा, 2 × 3 स्क्वायर, ओहो ये तो 18 आएगा। तो क्या मैं थर्ड शेल में 18 रख दूं, ना सर, क्यों नहीं सर, आपने तो बताया फॉर्मूला, मैंने बताया फॉर्मूला, लेकिन थर्ड शेल में 18 नहीं रखना, कारण क्योंकि यहाँ पे ना एक कंसेप्ट आता है, कौन सा कंसेप्ट सर, कंसेप्ट है ऑक्टेट रूल। क्या रूल, ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल एक ऐसा रूल है उसके तहत हम लोग के सारे एलिमेंट्स जो है ना नेचर में, आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स ले लो, उस सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो आपको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने का उनका मन रहता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन, दे आर 8 लविंग पेयर्स। हाँ मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, देयर इज वन मोर रूल, यू नो वो रूल कौन सा है, ड्यूप्लेक्स रूल। वो रूल बहुत ज्यादा काम में अपना आता नहीं है, ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स रूल होता है, ये बहुत ज्यादा काम में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि इसका ड्यूप्लेक्स रूल के तहत इलेक्ट्रॉन्स को अपने लास्ट शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 2 करने का मन होता है। अब ये ड्यूप्लेक्स रूल इतना कम है, क्यों, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स किधर है, लास्ट शेल में 2 मतलब लगता है सिर्फ ये ड्यूप्लेक्स रूल सर हाइड्रोजन हीलियम या लिथियम वगैरह तक ही काम है ना, क्योंकि लास्ट शेल में, अब तुम ही सोचो ना, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का लास्ट शेल में कितना है, अरे हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है ना, तो वही अपना ड्यूप्लेक्स रूल। अब फिर ये ड्यूप्लेक्स रूल लिथियम पे भी लागू होता है, लिथियम का क्या है अपना, लिथियम तुमने सुना है ना अपने बैटरीज में, मोबाइल बैटरीज में याद यूज होता है लिथियम आयन सेल, आजकल जो मोबाइल स्पीकर है ना मोबाइल के पीछे देखना लिखा हुआ लिथियम आयन बैटरीज, तो वो लिथियम, तो लिथियम का कितना होता है, 3 7 ऐसे होता है ना, तो 3 मतलब एटॉमिक नंबर, 7 हो गया तो मास नंबर। क्या तुम लोगों को ये बात पता है क्या, एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे, ये जो एटॉमिक नंबर है क्या यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो लास्ट शेल में अपना लिथियम का भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 होगा, है कि नहीं। और ड्यूप्लेक्स रूल के तहत उसे उसे क्या करने का, उसे क्या करने का मन होगा, लास्ट शेल में उसे 2 करने का मन होगा, तो पहला शेल में उसका 2, लास्ट शेल में उसका 1, और उसे 1 छोड़ने का मन होगा, इसीलिए वो मेटल बन जाता है, लिथियम आयन Li+ लिखते हैं, देखिए है ना, ठीक है, वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। आप ऐसा समझ जाओ कि 2 रूल होते हैं, एक है ड्यूप्लेक्स रूल, पढ़ाते थे, एक होता है ड्यूप्लेक्स रूल और एक होता है ऑक्टेट रूल। ड्यूप्लेक्स रूल के तहत हम लोग क्या करते हैं, लास्ट शेल में 2 रखने का मन होता है, और ऑक्टेट रूल के तहत लास्ट शेल में 8। ठीक है सर, आपका ये बात भी समझ में आया कि ड्यूप्लेक्स रूल ऑक्टेट रूल है, उसमें लास्ट शेल में 8। अच्छा तो आप बांटोगे कैसे, बांटोगे कैसे इसको, देखो कैसे बांटते हैं, तो बांटा कुछ ऐसे जाएगा कि, नीरज सही बोला, सुनना बढ़िया से, तो कैल्शियम को, कैल्शियम का थर्ड शेल में फॉर्मूला क्या कहता है, थर्ड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, 18, लेकिन रूल क्या कहता है, कितना रखना है, 8। तो क्या करता है कैल्शियम, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रख दिया, अगला एक शेल ले लेगा, अगला एक शेल ले लेगा,
वो कैसे 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 एक और शेल निकाल दे, बोलो क्लियर, 2 8 8 और यहां पे 1 2 क्लियर। इसीलिए देखना कैल्शियम का जो होता है 20 40, ये जो 20 होता है ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो इसे कैसे बांटा जाएगा, 2 फर्स्ट शेल 2 8 8 2, बोलो क्लियर, बोलना पड़ेगा क्लियर है कि नहीं सबको, ओके। तो ये अपना कैल्शियम। अच्छा तुम लोग चाहो तो मेरे सामने ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम लोग बना के निकाल सकते हो क्या, तुम लोग टेक्स्ट करना लाइव चैट में, तुम लोग टेक्स्ट कर देना अगर तुम्हें समझ आ रहा है। चलो मैं पूछ लिया तुमसे मैग्नीशियम, और मैं मुझे पता है तुम लोग का भी पीरियडिकली याद होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं अभी के लिए लिख दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं नहीं लिखूंगा। मैग्नीशियम का आता है आपका 1224 वाट, ये प्लीज मैग्नीशियम का 1224 वाट का दिखाओ। अरे क्या क्लास समझ आ रहा है, क्या मैं टफ पढ़ा रहा हूँ हेमंत, सबको पूछ रहा हूँ, अर्पिता पता नहीं आई है कि नहीं, क्या मैं टफ पढ़ा रहा हूँ कुछ, मुझे तो नहीं लगता ये टफ है कि नहीं। चलो 1224 282 आंसर आया मेरे पास, ओके। अरे सबको ही तो आंसर देना पड़ेगा यार, क्लास सबको ही कर रहे तो रिस्पॉन्स सब दीजिए ना। 282 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आशु शुभ। अच्छा एक और पूछ लेता हूं मैं, एक और पूछ लू मैं एक काम करू आपसे पूछू क्या पूछू क्या पूछू, हाँ सल्फर पूछ लेता हूँ, सल्फर 1632 बताए प्लीज, सल्फर पूछ लेता हूँ मैं, सल्फर 1632 बताए प्लीज, बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा 1632 सल्फर बताए प्लीज, ओके 286 बहुत बढ़िया, ओके। क्या मैं एक और पूछूं या बात आपको समझ में आ गई, क्या मैं एक और पूछूं या बात आपको समझ में आ गई। अच्छा एक पूछ लेता हूं, बहुत ही पॉपुलर एलिमेंट सोडियम 1123, सोडियम 1123 बताएं प्लीज है कि नहीं है, सोडियम 1123 Oh my God, आज तो नाज आई है क्लास करने के, वेरी गुड, सोडियम 1123, अच्छा 281 वेरी गुड, सबको पता है ये बात 281 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मेरे को तुम लोगों को क्लास भी समझ आ रहा है। ओके नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा है, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात पूछूंगा, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट मास नंबर्स एंड एटॉमिक नंबर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे गलत बोलेंगे, मुझे पता है ये आंसर, बहुत सारे तुम लोग का पास गलत कांसेप्ट है। अगर मैं बोलूं कि लेट देयर बी एन एलिमेंट एक्स, लिसन केयरफुली, लेट देयर बी एन एलिमेंट एक्स, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर, और मास नंबर ए से, मास नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एटॉमिक नंबर जेड से। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक एलिमेंट ले लूं मैं कार्बन ले लिया कि नहीं, 6 12 तुम्हें पता तो है ना कार्बन एक एलिमेंट है 6 12। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तुम बोलोगे 6 सर है कि नहीं, सुनना बढ़िया से कंसेप्ट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तुम बोलोगे 6। बताओ कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6। बताओ कार्बन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 6 है कि नहीं है, क्या तुम्हें न्यूट्रॉन काउंट निकालने आता है। अच्छा सुनो थोड़ा सा बता, एक्चुअली होता क्या है, क्लास 9 ध्यान से सुने, क्लास 9 के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है, 10th वालों के लिए थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है, जो लोग मेरे पास न्यू कैंडिडेट्स है और जो लोग क्लास 9 में है, क्लास को प्लीज फोकस से करें 100%। ये जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर, इसको अक्सर टीचर्स पढ़ाते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
अक्सर टीचर्स इसे पढ़ाते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है ना वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि गलत है। ये याद रखना, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। हालांकि आपके 10th लेवल पे यही पढ़ाया जाता है, बट दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, दिस इज अ रॉन्ग थ्योरी। आपको कोई भी टीचर किधर भी पढ़ा रहा है तो आप उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपोज कर दे कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कई लोग टेंशन में आ गए, अलग अलग पढ़ा रहे ऐसा। अरे भाई मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें गलत पता था तो मैं क्या करूं, है ना? क्यों ऐसा बोला? तुम मेरे से ये पूछ सकते हो, सर ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि 90% बुक्स में भी लिखा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर। अब सुनो एक कहानी। अरे तुम लोगों ने आयंस तो सुना होगा ना, आयंस किसे बोलते हैं? अच्छा आयंस किसे बोलते हैं? सर आयंस उसे बोलते हैं कि मान लीजिए कोई एलिमेंट ले लिया, उसके लास्ट शेल में 8 ऑक्टेट रूल को करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है या देना पड़ता है, अगर दे दे या ले ले तो उसे आयंस बोलते हैं। सर कुछ नहीं समझा, एग्जांपल दीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सोडियम, क्या बोलूं? सोडियम। अब तुम सोचो कि सोडियम, सुनना बढ़िया से, अब तुम सुनना मेरा बात कि सर ने क्यों बोला कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं, नहीं सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है सोडियम 1123, तुम बोलोगे सर इसके पास तो 281 इलेक्ट्रॉन तो है, कितने हैं? 11। अब मैं तुम्हें बोला कि सोडियम एटम बना, सोडियम एटम बना आपने, ये रहा सर अपना सोडियम न्यूक्लियस। बढ़िया सुनना, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ये रहा अपना सोडियम न्यूक्लियस, ये रहा अपना लास्ट शेल, है कि नहीं? ये पहला शेल में आपने 2 डाल दिया और 2n² का फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे 8 डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट शेल में आपने 8 डाल दिया। अरे यही कहानी है ना, यही तो कहानी है। अब हमको एक बात बता, अगर हमको ये लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन, इसको अगर हम लोग छोड़ दे, लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग छोड़ दे तो इसके लास्ट शेल में कितना आ जाएगा? 8। तो क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा? और सोडियम को क्या वही करना पसंद है? सोडियम को क्या वही करने का मन रहता है? तो वो लास्ट शेल में एक जो रहता है वो छोड़ देता है। अच्छा अब मेरे को ये बात बता तू लोग, अगर वो अपना लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो क्या वो Na से Na+ बन जाएगा? हाँ सर Na+ तो बन जाएगा। इस प्लस का क्या मतलब है? सर प्लस मतलब होता है प्रोटॉन और माइनस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इसका सर पे जो प्लस है ना ये बताना चाह रहा है मेरे को कि इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है। हाँ जाहिर सी बात है एक प्रोटॉन ज्यादा तो है। कैसे कैसे? अरे देखो ना यहाँ पे यार, यहाँ पे देखो, नॉर्मली अपने को क्या पता होता है, हम लोगों को क्या पता होता है, एक एटम के पास क्या जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है? जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे रटवाते हैं टीचर्स। ओहो तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 11। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। कितने इलेक्ट्रॉन? 10। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? अब सुनो कहानी, प्रोटॉन किधर रहता है? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना भाई, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है ना, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अभी भी न्यूक्लियस के अंदर तो 11 प्रोटॉन रखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने अभी? 10। अब तुम लोग हमको ये बताओ कि अगर मैं एक एटम का लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन खोल लूं और उसे Na+ बना दूं, Na+ बना दूं, तब तुम क्या इसे इसका एटॉमिक नंबर को चेंज कर दोगे? आपको ये पता होनी चाहिए कि कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर चेंज कर दोगे तो साला उसका तो नाम ही चेंज कर दिया भाई। जब वो 11 होगा ही नहीं तो हम लोग उसमें सोडियम बुलाएंगे ही नहीं। अबे 10 में तो तुम नियॉन बुलाओगे ना, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अगर 10 ही बोलोगे तो तुम नियॉन बुलाओगे, 12 बोलोगे तो तुम मैग्नीशियम बुलाओगे। अबे इसको इसका इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। तो इसे नियॉन बुलाओगे क्या? इसे अभी भी क्या बुलाओगे? सोडियम आयन बुलाओगे ना।
इसे तो अभी भी सोडियम ही बुलाओगे, तो साला सोड इसके पास क्या सिंबल है, इसके पास अभी भी क्या 11 है, 11 क्या है, प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो इसे नियॉन बुला लो नियॉन इसे, बात समझ में आ रहा है क्या। इसलिए बोला कि एटॉमिक नंबर कोई भी एलिमेंट का उसका प्रोटॉन काउंट को दर्शाता है, उसका इलेक्ट्रॉन काउंट को दर्शाता है, कभी नहीं, हालांकि बुक में ऐसा गलत लिखा होता है और कई टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा आप लोग नहीं पढ़ेंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या क्लास, अरे क्लास समझ में आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो लाइक करो ना, हर क्लास में बोलना पड़ता है लाइक तो करना चाहिए, हालांकि आज लाइक किए हो तुम लोग। खैर, तो ये अपना प्रोटॉन, ये छोटा छोटा मिसकंसेप्ट होता है ना, इसीलिए आज मैंने तुम लोग का दोनों क्लास को कंबाइन करवाया कि आप लोग समझे कि क्या मैटर है, इसलिए हम लोग का केमिस्ट्री क्यों वीक हो जाता है। कि एटॉमिक नंबर आज से तुम लोग नहीं बोलोगे, तुम लोग गलत नहीं पढ़ोगे, एटॉमिक नंबर मतलब आज से तुम लोग क्या बोलोगे, नंबर ऑफ करेक्ट, आज से तुम लोग बोलोगे एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आया, छोटा छोटा कंसेप्ट है। अच्छा, एक छोटा कंसेप्ट और बताता हूँ। अच्छा, पहले एक और टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको समझ में आया, मास नंबर, एटॉमिक नंबर आपको समझ में आया। अच्छा, मास नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर मतलब क्या होता है, बेसिक डिस्कशन आज को, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पता है तुमको, तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूं मैं तुम लोगों से एक इंटरेस्टिंग बात। सर, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों बोलेंगे? अरे यार, अगर तुम ये पूछ रहे हो मेरे से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों बोलेंगे, तो इतना देर से मैं तुम्हें क्या पढ़ाया, मतलब इतना देर से तुम्हें तो क्यों कुछ समझ ही नहीं आया। बोल तो रहा हूं भाई, जब आप लोग कोई भी एक एलिमेंट से, लास्ट शेल से एक या दो इलेक्ट्रॉन खोल लेंगे, तो उसका तो इलेक्ट्रॉन काउंट वेरी हो जाएगा ना। तो आपका कहना यह रहता है कि एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो साला कोई भी एलिमेंट से मैं उसका इलेक्ट्रॉन खोल लूंगा तो उसका एटॉमिक नंबर वेरी हो जाएगा क्या? कहने का मतलब यह है कि सोडियम का लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन खोल लो तो उसके साला कल से नियॉन बुलाने लगोगे, उसे मैग्नीशियम बोलने लगोगे? नहीं ना, बोलोगे तो सोडियम ही, पर बोलोगे सोडियम आयन, यही तो साला अगर सोडियम आयन बोलते हो तो 11 से रिप्रेजेंट होता है ना, और 11 से रिप्रेजेंट होगा तो वो तो प्रोटॉन से आएगा ना, क्योंकि एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन खोल लेने के बाद भी क्या कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को बोलो ना एटॉमिक नंबर, बात समझ में आ रही है, या और क्लैरिटी से बताऊं? ओके, अब सुन, मास नंबर को बोला जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो बोल रहा था, दो मिनट तुम लोग का वापस लूंगा। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि सर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना चाहते हैं, केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता सर को। एक्चुअली ऐसा बात नहीं है, मैटर क्या है ना कि केमिस्ट्री कभी कोई फील करके नहीं पढ़ाता है। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं पहले ही बताऊं, मेरे को केमिस्ट्री का ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट मैं इतना बता सकता हूं कि जितना भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जैसे मैं अभी जितना भी पढ़ाया, थोड़ा पढ़ाया, ज्यादा पढ़ाया, तुम्हें फील आया क्या? तुम्हें 100% फील आएगा मैं कुछ भी पढ़ाऊं आपको जीवन में। सुनना बढ़िया, मैंने बोला मास नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, समझ लो। अच्छा, एक बात मेरे को ये बता, वैलेंसी किसको बोलते हैं? वैलेंसी, ये न्यू टर्म, ये न्यू टर्मिनोलॉजी। वैलेंसी से पहले भी एक टॉपिक आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बढ़िया से समझे इसे, लास्ट शेल में फिरोज कनेक्शन पुअर है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते बाबू, वो हम क्या कर सकते हैं, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यही दो ही बातें मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, या तो आप अपना रेजोल्यूशन वीडियो का घटा दीजिए 144 पे देखिए, या फिर आप ऑफलाइन डाउनलोड बाद में देख लीजिएगा। क्लास में मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, आप बोलोगे तो? कुछ तो कर नहीं सकता मैं इधर। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास, कंटिन्यू द क्लास। ओके, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सिंपल एक टर्म में बताएं तो
लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसका काउंट को बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अगर मैं तुम्हारे सामने पूछूं कि क्लोरीन, क्या चीज क्लोरीन 1735, अभी हमें जल्दी से ये बताएं क्लोरीन जो है 1735 है और ये 17 क्या है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिखनी आती है इसका 1735। सब कोई लिखो, सब कोई लिखेगा, रिस्पॉन्स रखो मेरे साथ 287। अच्छा तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्लोरीन के पास कितना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल 7। अगर मैं जब भी तुमसे पूछूं कि क्लोरीन के पास कितना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, मतलब तुम्हारे दिमाग में मैसेज जाना चाहिए कि सर ओहो लगता है सर पूछ रहा है कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितने हैं 7 हैं। बहुत बढ़िया, तो बस यही था टॉपिक है ना। अगर मैं पूछूं कि मैग्नीशियम क्लब 24 मैग्नीशियम के पास कितना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तुम लोग डायरेक्ट आंसर दोगे सर दो हाँ क्योंकि 282 तो ये लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन टू, बोलो क्लियर। ओके तो ये तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन था। ओके बहुत बढ़िया। नाउ अगर मैं तुमसे पूछूं कि वैलेंसी कितना है, तो वैलेंसी का मतलब क्या होगा, वैलेंसी का मतलब होता है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितना लेना है या कितना देना है, लेने देने वाली हिसाब को। ओके इसे कहते हैं वैलेंसी। अच्छा लेने देने वाली हिसाब को, ठीक है आजा बात करते हैं। तो सोडियम अपना बहुत मस्त टॉपिक है, अपना फेवरेट टॉपिक सोडियम, ठीक है सोडियम अपना 11। अच्छा एल्यूमिनियम ले लो, हमेशा सोडियम से बात, एल्यूमिनियम ले लो 1327 है कि नहीं। एल्यूमिनियम का लास्ट शेल में कितना है, लास्ट शेल में एल्यूमिनियम का है 283। अच्छा लास्ट शेल में इसका 3 है। ओके मतलब एल्यूमिनियम के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 है, तो एल्यूमिनियम को 8 करने का मन है। अबे 8 तो सबको करने का मन है, तो मतलब एल्यूमिनियम, अब तुम लोग सोचो और मेरे को आंसर, तो कॉमन सेंस से सब आंसर देगा। एल्यूमिनियम का जो लास्ट शेल में 3 है, एल्यूमिनियम 3 छोड़ देगा या 5 कहीं से ले आएगा, अरे भाई 3 छोड़ देगा या 5 कहीं से ले आएगा। लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये जो देने लेने वाली बात होती है ना, छोड़ने वाली बात और लेने वाली बात, आपको हमेशा याद रखना चाहिए इस यूनिवर्स में, इस सिस्टम में, इस सराउंडिंग में कहीं पे भी कोई काम हो रहा है, एक छोटा सा पत्ता भी हिलेगा ना उससे एनर्जी एसोसिएटेड है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ एवरीथिंग। आप ऐसा मूव भी करते तो आप पे एनर्जी खर्चा होता है, आप एक हवा भी अपने अंदर लेते ना तो एनर्जी आता है, सो एनर्जी इज रिलेटेड एवरीवेयर। अब आप हमको ये बात बताएं कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, इस 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में उसको ज्यादा मेहनत लगेगा या कहीं से 5 को ले आने में ज्यादा मेहनत लगेगा। फिरोज क्वेश्चन सुने मेरा, 3 छोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगा या 5 को कहीं से जुगाड़ करके ले आएगा तो ज्यादा मेहनत लगेगा। ऑफकोर्स 3 छोड़ देगा, उसे सस्ता पड़ेगा भाई, है ना, 3 छोड़ देगा तो उसे सस्ता पड़ेगा, 5 को कहां से ढूंढ के लाएंगे, 5 ज्यादा बड़ा फिगर है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम 3 छोड़ देगा तो उसके बाद क्या बन जाएगा वो 28, और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है Al3+। बोलो क्लियर है क्या, अरे Al3+ का मतलब क्लियर है क्या, है ना, ये 3+ का मतलब समझ आया, ये 3+ मतलब क्या है सर, ये 3+ मतलब आपको चिल्ला के बोल रहा है ओहो इसके पास 3 प्रोटॉन ज्यादा है, क्या 3 प्रोटॉन ज्यादा है, तुम्हें मतलब समझ में आया, हाँ सर अब मतलब समझ में आया, क्यों सर वो एल्यूमिनियम का आप एटम बनाए होंगे और लास्ट शेल में आप 3 इलेक्ट्रॉन रखे होंगे, है ना, और 3 को छोड़ दिए होंगे, लेकिन साला प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है। हम लोग शुरू में क्या बोलते हैं कि एल्यूमिनियम के पास एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर 13 बात का मतलब क्या है, हम लोग नॉर्मली समझते थे कि सर इलेक्ट्रॉन भी 13 प्रोटॉन भी 13, अब साला लास्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा 10, लेकिन अभी भी प्रोटॉन कितना है 13, तो क्या ज्यादा है प्रोटॉन, कितना ज्यादा है 3, बोलो क्लियर, अरे बोलना पड़ेगा, अभी भी इसके पास प्रोटॉन तो 13 है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से कोई छेड़छाड़, न्यूक्लियर रिएक्शंस आर स्टडीड इन क्लास 12, दोज आर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर इक्वेशंस, those are not in your syllabus right now,
राइट नाउ आपको पता होना चाहिए आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग पूरा दुनिया में पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन. यू नो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. रिपीट, ओके एक बार और रिपीट कर रहे हैं. मैं बोला करण, मैं बोला ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का लास्ट शेल में कितना है, तीन. अच्छा एल्यूमिनियम को क्या सस्ता पड़ेगा, तीन छोड़ देना या पांच कहीं से ले लेना? सर तीन छोड़ देना. तो एल्यूमिनियम अपने लास्ट शेल से तीन छोड़ देगा, इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम अपने लास्ट शेल से तीन छोड़ देगा का मतलब है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गया है कि नहीं. लेकिन ये भी तो बात है ना, अगर मैं ढंग से एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस बनाऊं, ये रहा अपना एल्यूमिनियम न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है. अच्छा तुम लोगों को न्यूट्रॉन निकालने आता है ना, मैंने ये बताया नहीं है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं. हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है a माइनस जेड. ये a माइनस जेड क्या होता है, अरे a मतलब मास नंबर, z मतलब एटॉमिक नंबर है कि नहीं है. तो a माइनस जेड मतलब क्या होगा, 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 14. अच्छा तो सर ये बात है, हाँ जी ये बात है, मतलब ये जो एल्यूमिनियम न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर वो, इसके अंदर 14 ठो न्यूट्रॉन है और 13 ठो प्रोटॉन है, ठीक, जो हमेशा अंदर ही रहेंगे, ये कभी बाहर नहीं आएंगे. इनसे पूरा दुनिया में कोई मतलब नहीं है, जो भी मतलब है किससे, इलेक्ट्रॉन से. अच्छा करण ये बात समझ आया, तो ठीक है सर आपने बोला लास्ट शेल में 2 8 3 में से 3 छोड़ दिया, तो ये वाला 2 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 2 3 था जो 3 आपने छोड़वा दिया. अब बताइए ना करण जी, ये देखिए ये लास्ट शेल तो छोड़ दिया ना, क्यों, क्योंकि लास्ट शेल में कुछ है ही नहीं, तो क्यों ड्रॉ करें, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलो क्लियर. अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये अपना एल्यूमिनियम, ठीक है. तो अब मुद्दे की बात ये है कि अब जब 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा एल्यूमिनियम के पास कितना रहेगा, 10. कितना रहेगा एल्यूमिनियम के पास, 10. लेकिन तुम सोचो ना कि प्रोटॉन कितना रहेगा, सर प्रोटॉन तो अभी भी 13 है, तो क्या ज्यादा है, सर प्रोटॉन ज्यादा है, कितना ज्यादा, 3 ज्यादा. प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, प्लस, इसीलिए सर पे 3+. बोलो क्लियर है क्या, आयंस का थ्योरी 100% क्लियर है क्या, अरे 100% क्लैरिटी रखना पड़ेगा, अरे है कि नहीं है करण बाबू, क्लियर है क्या, ओके ठीक है बहुत बढ़िया. तो अगर ऐसी बात किया जाए तो आप लोग बताएं मुझे को, आप लोग बताएं मेरे को, अगर मैं तुमसे पूछूं, सुनना बढ़िया से, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ओके Mg2+ का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन, सब कोई लिखेंगे चैट पे, Mg2+ का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन, आइए बताइए Mg2+ का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन, Cl- का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन, बताना पड़ेगा, आइए आइए बताइए, बदलना पड़ेगा, ये सब ज्यादा पता नहीं सुनेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन ये बोलना पड़ेगा, कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन, एक तो वेरी गुड नीरज, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें बताओ इसमें बताओ. बताना तो पड़ेगा, उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी. भाई साहब ये क्लोरीन है, क्लोरीन का तो 17 होता है, तो इसका प्रोटॉन अभी भी 17 ही होगा और इलेक्ट्रॉन 18 हो गया होगा, इसका प्रोटॉन अभी भी 17 ही है ना, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, अरे माइनस है सर पे एक माइनस है, मतलब क्या है इसका, कई लोग 10 बस चिल्ला रहे, पता नहीं क्या चिल्ला रहे, इसमें बताना था भाई साहब, है ना, इसे बताना था, ऐ तो ऐ शुभ उल्टा बता दिया बाबू, इसके पास प्रोटॉन इसके पास 17 है, अरे 1735 है भाई साहब, क्लोरीन 1735 होता है ना,
1735 मतलब होता है 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। अब इसके सर पे अगर एक माइनस एक्स्ट्रा है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है प्रोटॉन तो आज भी 17 ही है उसके पास, इलेक्ट्रॉन कहीं से उड़ के आ गया। अरे है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन कहीं से उड़ के आ गया। क्लैरिटी होनी चाहिए, बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? टॉपिक पे क्लैरिटी है क्या? तो अपने को वैलेंसी, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब तुम लोगों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने आ गया, ठीक। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, जिसके लिए मैं तुम लोगों को बोला था कि आज का क्लास देख लेना, कुछ अच्छा पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। ये सब तो बेसिक नॉलेज था, है कि नहीं? ये सब तो बेसिक नॉलेज था, सुनना बढ़िया से। ओके, तो अपना न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन, तुम लोगों को सब समझ में आ गया। अच्छा, एटॉमिक नंबर को क्यों नंबर प्रोटॉन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बोलेंगे, वो भी समझ में आ गया, फाइन। अच्छा ठीक, आयंस किसे बोलते हैं वो भी समझ में आ गया। आयंस मतलब अगर उसका लास्ट शेल में 8 आ जाए तो, है कि नहीं? अच्छा, तुम लोगों को दो तीन टॉपिक वो भी आई, देखो अब आया सर जी, कहां था इतना देर तू रौनक? अच्छा सुनो, अब बढ़िया से सुनना, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स किसे बोलते हैं? आइसोटोप्स किसे बोलते हैं मालूम है क्या तुम लोगों को? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स मालूम है क्या? आइसोटोप्स किसे बोलते हैं बताइए? आइसोटोप मतलब होता है नम, आइसोटोप मतलब होता है, सुनना बढ़िया से, आइसोटोप मतलब होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, मास नंबर अलग, एटॉमिक नंबर सेम। एग्जांपल, एग्जांपल, एग्जांपल होता है कैसे ले लूं? हाँ, आप क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन का एक आइसोटोप आता है 1735 और 1737, ये इनको बोला जाता है आइसोटोप्स। अच्छा, आइसोबार्स किसे बोलते हैं? आइसोबार किसे बोलते हैं? आइसोबार मतलब होता है मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर अलग। कैसे? आर्गन 1840 और कैल्शियम, कैल्शियम ले लो 2040, दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। बोलो क्लियर? ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं होता इसमें, इसमें बस अपने को थोड़ा सा समझाना होता है। आइसोबार मतलब देख मास नंबर सेम। अरे समझा तो रहा हूं, देख इधर, नहीं समझा। आइसोबार मतलब मास नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर तो अलग रहेगा, है कि नहीं? आइसोटोप मतलब देख, देख एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, मास नंबर अलग रहेगा, इसे आइसोटोप बोलते हैं, है कि नहीं? आइसोटोन किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, लाइक फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 1224, सुनना बढ़िया से, मैग्नीशियम 1224 और एल्युमिनियम कितना है 1327। जल्दी से बताए यहाँ पे मैग्नीशियम, न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे? न्यूट्रॉन कितना है? ओह आई एम सो सॉरी, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम नहीं आएगा, सोडियम ले लो, सोडियम 1123। अब इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 24-12, अरे सर 12 को न्यूट्रॉन है इसमें, इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 23-11, अरे सर इसमें भी तो 12 है। तो जो एलिमेंट्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है उसे बोलते हैं आइसोटोन, जो एलिमेंट्स का मास, मास नंबर सेम है उसे बोलते हैं आइसोबार, जो एलिमेंट का नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम है उसे बोलते हैं आइसोटोप। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बोलना पड़ेगा, अरे बोलना तो पड़ेगा। ओके ठीक है भाई, बहुत बढ़िया समझ आया मेरे को, ठीक। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाते हैं, सुन लो बढ़िया से। अब जो पढ़ाएंगे थोड़ा सा, ये सब मैंने पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो रहा है आज को।
आज जो पढ़ाएंगे वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री. क्या चीज? न्यूक्लियर केमिस्ट्री. एक्चुअली पूरा न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, दैट्स वे टू मच. उसमें से थोड़ा सा एक कंसेप्ट दूंगा. एक्चुअली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को ये फील नहीं होता है. वो जानते तो है कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बट उनका कोई एहसास आपको नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों को कभी फिगर्स और फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दे के बात ही नहीं किया गया है. कैसे? अच्छा मैं बोलूं, सुनना बढ़िया से, मैं बोलूं तुम्हें कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तुम्हें मालूम है? हालांकि बुक में लिखा होता है, मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड में, बुक्स में लिखे होते हैं कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹. ओके, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67. अच्छा मैं तो कहता हूं ऐसे लिखो, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग सेम ही होता है, 1.6 × 10⁻²⁷. सुनना बढ़िया से, बढ़िया से सुनना पड़ेगा आपको, है ना? अच्छा, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो e माइनस, इट्स 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. एंड व्हाट अबाउट प्रोटॉन्स चार्ज? प्रोटॉन्स चार्ज इज ये +1.6, इट्स -1.6, इट इज +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. अच्छा बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्जेस सेम है क्या? इसका भी -1.6, उसका +1.6, है ना? अच्छा तभी बोलते हैं. सुनना बढ़िया से, हम लोगों को नॉर्मली पता होता है क्या कि हम लोग कोई भी चीजों को छूते हैं तो बिजली, अबे तुम बोर्ड छूते हो, तुम अपने आप को इधर उधर पड़ोस में सबको छूते हो, तुम्हें झटका लगता है क्या बिजली का? नहीं लगता है ना. लेकिन तुम जब बिजली का तार छूते हो तुम्हें झटका लगता है. क्यों? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है तुम्हारे अंदर, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट होता है कि तुम्हें वो शेक समझ में आता है, उसी को हम लोग झटका बोलते हैं. अब आप समझे, अब आप बढ़िया से समझे कि अब ऐसा हम लोग कोई भी चीज को छूते हैं तो हम लोग को झटका क्यों नहीं लगता? अबे कैसे लगेगा? तुम जिसको छू रहे हो क्या वो एटम से बना है? हाँ सर एटम से बना है. अबे एटम से बना है तो एक थ्योरी तो ये भी कहता है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. हाँ सर ये भी कहता है. अबे तो साला एटम का चार्ज देख +1.6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देख -1.6. अगर मैं बोलूं कि तुम जिसको छू रहे हो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है तो नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज तो जीरो हुआ ना, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन +1.6 − 1.6 कट के जीरो. तो तुम साला जिसको छूएगे उसको बिजली का झटका कहां से लगेगा? चार्ज थोड़ी है तुम्हारे पास. अरे समझ आया क्या? अरे आया ना. इसलिए बोलते हैं कभी 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 देखना बुक्स पे लिखा होता है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. वो इसलिए बोलते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काउंट तो जीरो है, नेट चार्ज कितना है? जीरो. हाँ सही बात है. और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है क्या? नहीं. देखना न्यूट्रॉन के पास जीरो कूलम का चार्ज है. देखना बुक में बोला जाता है न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस पार्टिकल्स बट दे डू हैव अ मास. हाँ मास तो है. अच्छा कोई कभी कभी देखना बुक में ये भी लिखा होता है, अरे आज हम लोग फील कर रहे हैं थोड़ा एहसास ले रहे हैं, अच्छा ऐसा होता है. ओके अरे चीज देख, बुक में कभी कभी ऐसा लिखा होता है, ऐसा सुनना बढ़िया से, बुक में ऐसा लिखा होता है ये रहा अपना न्यूक्लियस, ये अपना न्यूक्लियस है कि नहीं, और ये अपना एक शेल है ऑर्बिट. अक्सर बोला जाता है ये जो न्यूक्लियस है ना, मैं थोड़ा और बड़ा ये जो न्यूक्लियस है ना, सुनना बढ़िया से सुने ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस का जो डायमीटर है, मैं तो कहता हूं उसका रेडियस. अक्सर बोला जाता है इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना वो 10⁻¹⁵ होता है. सुनना बढ़िया से. और ये जो न्यूक्लियस से शेल का जो डायमीटर होता है इसे बोला जाता है 10⁻¹⁰ मीटर. शेल का रेडियस 10⁻¹⁰ मीटर होता है और न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻¹⁵ होता है. हाँ मैं कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, काहे चिंता करती है तू. मैंने बोला कि एक न्यूक्लियस जो होता है, ये सब बुक्स में लिखे होते हैं. एक न्यूक्लियस का जो ये वाला होता है ना, शेल का रेडियस होता है 10⁻¹⁰ मीटर. और ये जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻¹⁵ मीटर. प्लीज
दो मिनट थोड़ा पॉज करके शांति से अपने बात को समझे, इस बात को प्लीज समझे कि इसमें क्या खास बात है। सर दो डेटा ही तो लिखा भाई, दो डेटा नहीं है, इसे अगर एनालिसिस करो तो तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। थोड़ा देर के लिए सोच, ये -15 मतलब तो बहुत छोटा होता है ना, तो आप लोग जानते होंगे कि वो फिजिक्स में पढ़ाते हैं ना, नैनोमीटर्स पिकोमीटर्स फेमटोमीटर्स में नापते हैं, है कि नहीं है, नापते हैं, आपको पता होगा। तो 10^-10 मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। आप थोड़ा देर के लिए ना इस माइनस को प्लस समझे ताकि आपको समझने में आसानी। अब हमको ये बताएं कि 10^-10 बड़ा है या 10^-15, 10^-10 बड़ा है या -15। आप ध्यान से सोचे तो आपको पता चलेगा कि 10^-10 बड़ा है। कई लोग सोच रहे भाई 10 कैसे बड़ा होगा, 15 बड़ा होगा ना, अरे यार माइनस है, माइनस में उल्टा में बड़ा होता है, ये छोटा होता है। 10^-15 बहुत ज्यादा छोटा है, 10^-10 थोड़ा कम छोटा है, बोलो क्लियर है क्या? लेकिन ये मेरे को पढ़ाना था नहीं। करण मोहित ये बात को बहुत अच्छे से समझो, सब कोई सिर्फ करण मोहित नहीं, हमको ये पढ़ाना था ही नहीं। हमको तो ये पढ़ाना था कि 10^-10 और 10^-15 इन दोनों में कितना बड़ा या कितना छोटा का फर्क है। आप ध्यान से देखो तो ये वाला 5 गुना बड़ा है। क्या ये 5 गुना बड़ा है? हाँ यार ये 5 गुना बड़ा है, इंटू 5 नहीं है भाई साहब। आप सोचो, आप नॉर्मली मैथमेटिक्स में करते हो ना, 10^2 को क्या बोलते हो? अबे 10^2 को क्या बोलते हो? 100। 10^2 को 100 बोलते हो ना, 10^5 को क्या बोलते हो? 100,000। देख 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 देख, सिर्फ 2 और 5 करने में आपको 3 0। अब आपको फील आता है 100 और 100,000 में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है भाई। अब तू सोच कि तू इसे अगर 1 मीटर माने, कितना, इसे अगर 1 मीटर माना तो क्या यहां पे 5 0 ज्यादा है? यहां पे कितना 0 ज्यादा है? 5 0। अब तू इसे फील कर कि अगर ये 1 मीटर हुआ तो ये क्या 100,000 मीटर है, और फील कर 100,000 मीटर मतलब कितना किलोमीटर। अरे मैं बस फील करा रहा हूं तुम्हें, 100,000 मीटर मतलब कितना किलोमीटर, 3 0 हटा दो सर, 100 किलोमीटर, कितना 100 किलोमीटर। अब सोच, अब सोच, यानी अगर मैं रियलिटी में, तू जहां पे घर में बैठा है ना, तू घर में बैठे बैठे एक एटम बनाने का सोच, सोच तुम्हें पता होता है रियलिटी में, मैं तुम्हें को पढ़ाया हूं 1 मीटर मतलब कितना होता है, इतना इतना होता है ना लगभग लगभग। अब तू सोच कि न्यूक्लियस बनाना चाहता है तू, अपने घर में बैठ के अपने रूम में जहां पे तू पढ़ रहा है वहां पे तू न्यूक्लियस बनाना चाहता है, तो तू जहां खड़ा है ऐसे 1 मीटर का एक गोला बना ले, बोल क्लियर, 1 मीटर का एक गोला बना ले। सोच 1 मीटर का अगर तू यहां पे गोला बनाता है तो कितना बड़ा तेरा न्यूक्लियस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब सोच मेरे को, अगर तू यहां पे बैठा है अपने घर में और 1 मीटर का गोला बना रहा है जिसको तू न्यूक्लियस बोल रहा है, बोल इलेक्ट्रॉन पहला शेल तुझे कहां मिलना चाहिए? 100 किलोमीटर दूर। भाई हिसाब तो कह रहा है 100 किलोमीटर दूर मिलना चाहिए, लगभग लगभग आधा डिस्टेंस कोलकाता का। मतलब तुम अगर अपने घर में बैठे हो ना तो तुम्हारा पहला शेल कोलकाता के बाद आना चाहिए। बोलो कितना दूरी है, फील आया थोड़ा सा, फील आया थोड़ा सा, पहला शेल कितना दूरी पे है? देख अगर तुम अपने घर पे बैठे हो तो पहला शेल साला कोलकाता के सामने आना चाहिए। तो अब बोल, अब बोल, अब इस तरह से अगर फील करेगा तो तेरे को समझ में आना चाहिए कि क्या न्यूक्लियस और शेल्स के बीच में बहुत एम्प्टी स्पेस होते हैं। न्यूक्लियस और शेल्स के बीच में कितने एम्प्टी स्पेस होते हैं? सर बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। अब सोच उसी को माइक्रोस्कोपिक व्यू में सोच, लगभग लगभग कुछ भी नहीं है भाई, इतना फांका स्पेस है, इतना फांका स्पेस है। अब तू सोच, याद है वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब किया था तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था, एटम्स हैव लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस विद इन इट, बोला था ना, एटम्स हैव लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस विद इन इट, इसलिए बोला था। भाई साहब साला रदरफोर्ड को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये रहा न्यूक्लियस वो रहा शेल, साला कुछ भी फेंकते सब पार हो जाता है। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे फील करना पड़ेगा यार, फील करेगा तब तुझे मजा आएगा कि अच्छा ये मैटर है केमिस्ट्री में। आए देख, बोलो क्लियर है क्या? ओके ठीक है, तो तुम्हें ये समझ आया। अब देख और भी, अरे मैं तो कहता हूं तुम लोगों में दावा करके, अब देख तुझे असली टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, तो कहता हूं तुम्हें मैं दावा करके पूछता हूं
कि कितने लोग जो लोग तुम लोग कितने लोग जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तुम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में तो सुना होगा। मोल कंसेप्ट, मोल, वन मोल इतना, एक मोल इतना, वन मोल ऑफ सोडियम, वन, अक्सर देखना टीचर्स बोलते हैं वन मोल ऑफ सोडियम है 23 ग्राम, 23 ग्राम, वन मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम। अभी साला अपने को यही समझ में नहीं आता, अरे 23 ग्राम कभी फील किया होगा हाथ में, हाथ में 23 ग्राम छुए क्या? हाँ छुआ तो है। अबे 50 ग्राम का वो वेट उठाते हो ना दुकान में, मोदी दुकान में जाते हो तो 50 ग्राम का वेट उठाते हो ना, उसका आधा सोचो, उसका आधा सोचो, हाथ में फील आएगा ना। अब तू सोच, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा तेरे को सोच के कि अबे एक मोल सोडियम तेरे हाथ में रख दो तो वो 23 ग्राम का होगा? भाई एक सोडियम एटम तुम्हारे हाथ में रख दो तो कुछ पता चलेगा क्या तुम्हें? अबे तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा भाई। एक सोडियम एटम तुम्हारे सामने रख दो, साला एटम को देख नहीं सकता, तुम्हें उसका फील क्या करोगे तुम्हें? तो एक मोल सोडियम कैसे बुक में लिख देते 23 ग्राम? अपने को दिमाग में नहीं बैठता है। तो मैंने एक रिसर्च किया। अब कहानी सुनना बढ़िया से, सब कुछ सुनना बढ़िया से कहानी। अब एक बात बता, बुक वाले क्या लिखते हैं? तुमने ये सुना है क्या, 1 AMU? ये भी सुना होगा, टीचर जिक्र करते हैं इसका, 1 AMU, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अबे कहे का AMU? एक किलो सुना है, एक ग्राम सुना है, एक मीटर सुना है, एक AMU किधर से आ गया? तो उनका अपना एक हिसाब है, सुनना बढ़िया से, उनका अपना एक हिसाब है। 1 AMU वो लोग क्या बोलते हैं, उनका कहना है कि 1 AMU का मतलब क्या होता है, 1 AMU का मतलब होता है, बुक में लिखा होता है, मेरा कोई इसमें रोल नहीं, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, ऐसा लिखते हैं बुक वाले। देखना बुक में लिखा होगा 1 AMU मतलब होता है मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ एन कार्बन एटम, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो इसमें मेरा दिमाग में गया ये बात, अच्छा 1 AMU मतलब होता है मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। अब तुम लोग बोलो, तुम लोग को कार्बन एटम का फील है क्या? तुम लोग को कार्बन एटम के बारे में समझ है क्या? कार्बन एटम के बारे में तुम्हें समझ होना चाहिए। बोलो कार्बन के पास कितना प्रोटॉन होता है? बोलो बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। कार्बन के पास कितना प्रोटॉन होता है? अरे भाई साहब कार्बन तो 6-12 होता है ना, तो कार्बन के पास प्रोटॉन कितना होगा सर? 6 पीस होता है सर। अच्छा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर? वो भी 6 पीस। कार्बन के पास न्यूट्रॉन कितना होता है सर? वो भी 6 पीस। बोलो क्लियर है क्या? अरे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6। बोलो क्लियर है क्या? बोलना पड़ेगा। अब सुन, अब मेरा दिमाग घूमा और मैंने इन डेटा पे ध्यान दिया। इधर देख, अब ये सब डेटा को देख, सुने बढ़िया से, इन सब डेटा को देखें। अच्छा प्रोटॉन के पास कितना, प्रोटॉन का वजन कितना है रे? 1.6 × 10⁻²⁷ kg। अच्छा इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है रे? 10⁻³⁶ kg। बहुत ध्यान से देख तो तुझे पता चलेगा कौन भारी है, कौन भारी है। बोलना पड़ेगा तुम लोग को, बोलना पड़ेगा कौन भारी है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? देखिए माइनस, फिर से मैं चाहता हूं तुम लोग इस डेटा पे ध्यान दो, फिर से मैं चाहता हूं तुम लोग इस डेटा पे ध्यान दो। -27 - 31, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा? हाँ भाई प्रोटॉन भारी है, -27 है ना, तो ये माइनस में बढ़ता है, तो ये भारी है, वो हल्का है। कितना भारी कितना हल्का सर? बहुत भारी है, लगभग 4 जीरो ज्यादा है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को अगर एक किलो पकड़ो तो ये सर 10,000 किलो है। सोच, फील आया तेरे को? अगर इलेक्ट्रॉन को एक किलो पकड़ लीजिए तो ये 10,000 किलो है सर, 4 जीरो ज्यादा है, ये तो बहुत भारी है सर। मतलब यहां से क्या बात समझ आया, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन बहुत बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है सर, 1 किलो और 10,000 किलो मिलकर। बोलो क्लियर? अच्छा तब मेरे को एक बात समझ आया कि सर अगर ऐसी बात है तो प्रोटॉन, मैं बोलूं छह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का कोई औकात? अबे कोई औकात नहीं है इनका वजन पे, अबे क्या कर लेगा 6 प्रोटॉन के सामने? और सुन,
न्यूट्रॉन भी उतना ही भारी होता है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का तो कोई भी औकात भारी में वजन में नहीं है। इसीलिए देखना रदरफोर्ड चिल्लाया था, रदरफोर्ड अपना कंक्लूजन पे लिखा था कि द मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। बोला था रदरफोर्ड ने द मैक्सिमम मास इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ऐसा बोला था साला उसने। बोल अब ये समझ आया पिक्चर? हाँ सर, साला सही तो बोला था, गलत कहां बोला था, इतना भारी है इतना हल्का, इसमें क्या 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा मेरा, फक फेंक दे इसे। अब सुन इधर देख, तो फिर अगर इन सब डेटा पे मेरा ध्यान गया, फिर मेरा ध्यान इधर आया जो लिखा था मैं यहां, क्या लिखा था, यहां पे लिखा था 1 AU क्या होता है, तो किसी चालाक व्यक्ति ने बोला 1 AU क्या होता है भाई साहब, 1 AU होता है, मैं बोल सकता हूं क्या, पूरा का पूरा एक कार्बन एटम, पूरा का पूरा एक कार्बन एटम बाई 12, बोलो क्लियर, हाँ बोल सकते हैं पूरा का पूरा कार्बन एटम बाई 12, अरे बोल सकते हैं ना, बोल ही सकते हैं। 1 AU मतलब क्या हो जाएगा सर, 1 AU मतलब हो जाएगा पूरा का पूरा कार्बन एटम बाई 12, क्योंकि ए 1/12 हिस्सा है। अच्छा पूरा कार्बन एटम में है कौन, अरे पूरा कार्बन एटम में है कौन सर, 6 पीस मास ऑफ प्रोटॉन है सर, 6 पीस मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और मैंने इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई औकात मैं नहीं लूंगा, इलेक्ट्रॉन का कोई औकात है नहीं है, है कि नहीं, तो मैं उसे इग्नोर कर सकता हूं, अब उसको कुछ औकात दिया मास में, मेनली एक कार्बन एटम के अंदर मेन कौन होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, बोलो क्लियर। अच्छा बहुत ध्यान से देखें, अरे यार फिरोज तुम चुप करो यार, मेरे को दिखता है, मेरे को यहां पे कैमरा दिखता है, फालतू बोलना बंद करो, क्लास पे ध्यान दो, इधर देख। अब मेरा ध्यान गया एक चीज पे, अरे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या लगभग लगभग सेम है, हाँ अरे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम ही है सर, तो क्यों ना मैं एक बार में ऐसा लिखूं, क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत है, मैं एक बार में ऐसा लिखूं 12 प्रोटॉन, अबे क्या हो जाएगा 12 प्रोटॉन मतलब क्या हो जाएगा, अबे 6 6 12, क्योंकि दोनों तो सेम है, एल्जेब्रा लगा लो तो 12 प्रोटॉन, अच्छा ये 12 कट गया, तो 1 AU अपना कितना निकला, कितना निकला बोलो 1 AU कितना निकला, अरे सर 1 AU निकला 1 प्रोटॉन। अच्छा मतलब साइंटिस्ट लोग घुमा के ये बात बोलना चाहते हैं, 1 AU मतलब 1 प्रोटॉन की कहानी, 1 AU मतलब 1 प्रोटॉन की कहानी, अरे बेटा मेरे को तो ये समझ में आ गया, 1 AU मतलब मास ऑफ 1 प्रोटॉन। अच्छा चलो देखा जाए और रिसर्च करते हैं, सर 1 AU मतलब 1 प्रोटॉन, घुमा के उल्टा बोलता है, उल्टा बोलता, ठीक है भाई 1 AU मतलब मेरे को पता चला 1 प्रोटॉन, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे देखते हैं, आज थोड़ा पता करके रहेंगे मोल क्या है, 1 AU मतलब 1 प्रोटॉन, लेकिन 1 AU मतलब 1 प्रोटॉन तो अपने को समझ आ गया, सुनना बढ़िया से, 1 AU मतलब 1 प्रोटॉन अपने को समझ में आ गया, लेकिन तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 AU मतलब होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन, जिसका मतलब होता है 1.6 × 10⁻²⁷ kg, हाँ 1 प्रोटॉन का मास तो उतना ही होता है कि नहीं है। अब तू सोच देखना, कभी कभी बुक्स वाले लिखते हैं ना हीलियम, अरे रूप भाई, अरे करण एक मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो तो गिवन डेटा लिखा था ना, दोनों ही तो लिखा था 1.67 × 10⁻²⁷ kg, ऐसे लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम लिखा था, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम ही होता है, बुक्स में है डेटा, ये बुक्स में देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, अब सेम है तो जोड़ देंगे, है कि नहीं। अच्छा अब तू सोच कि हीलियम एटम को कैसे लिखा जाता है, हीलियम एटम मतलब क्या होता है, 4 2 4, सुने बढ़िया से, अब बता हीलियम के पास कितना प्रोटॉन है, बोल हीलियम के पास कितना प्रोटॉन है, बोलो, बोलना पड़ेगा, हीलियम के पास कितना प्रोटॉन है, 2, हीलियम के पास कितना न्यूट्रॉन है, 2,
हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? दो। बट अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ द हीलियम एटम, ये पूछने के समय तुम्हें इलेक्ट्रॉन का मास को ध्यान रखने की कोई जरूरत, क्या जरूरत है? सर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, और आपने बोला एक प्रोटॉन मतलब एक एमयू, तो इसके पास कुल मिला के कितने एमयू? चार। अबे दो प्रोटॉन का एमयू, दो इलेक्ट्रॉन दो न्यूट्रॉन का एमयू, दोनों तो सेम है, इसलिए देखना बुक में लिखते हैं फोर एमयू। अब बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? इसके पास तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही वजन है, इलेक्ट्रॉन का कोई वजन नहीं है, तो कितना कुल मिला के कितना प्रोटॉन है इसके पास? मान सकते हैं दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन, और दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो वजन सेम है, तो चार एमयू लगभग लगभग। अरे है कि नहीं है? अच्छा ऐसी बात है। तो सोडियम का कितना होगा? सोडियम का अगर सोडियम का बोले 11 और 23, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सोडियम का 11 और 23 मतलब कितना? कितना प्रोटॉन? 11। कितना न्यूट्रॉन? 12। इलेक्ट्रॉन का कोई वैल्यू नहीं, तो सीधा इसे लिखे 23 AMU। अरे बोलना पड़ेगा हाँ या ना, हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 23 AMU अब अपने को पूरा फील आता है कि हाँ सर 11 AMU मतलब 11 प्रोटॉन, 12 AMU मतलब 12 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग सेम, तो 23 AMU फील आता है अपने को। ओके अब सुन, अब कुछ बुक्स में तो ये भी लिखा होता है ना कि 1 मोल मतलब क्या होता है, कुछ बुक्स में लिखता है 1 मोल ऑफ 1 मोल मतलब होता है 6.023 × 10⁻²³ एटम्स एवोगाड्रो नंबर। सुना है क्या? कुछ बुक्स फालतू बकते बोलते हैं कभी कभी, बोलो देखा 1 मोल ऑफ एन एटम, कोई कोई बुक्स चिल्लाते इक्वल टू 6.023 × 10⁻²। ऐसे बोलते, अरे बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? 1 मोल ऑफ एन एटम मतलब 6.023 × 10⁻²। ये नंबर कहां से आया, कोई प्रूफ? फालतू। खैर जो भी बोलते, ये बुक में होता है और ये सच होता है। अरे होता है ना? हाँ। तो मेरा दिमाग करण, मेरा दिमाग अब इस जगह पे गया, अच्छा साला 1 मोल क्या बोल रहा है? 1 मोल मतलब बोल रहा है 6.023 × 10⁻²। है कि नहीं है? अच्छा और मेरा एक एटम का वजन कितना है? अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एनी एटम, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 मोल ऑफ एनी एटम मतलब क्या, लिख सकते हैं 6.023 × 10⁻²। अरे है कि नहीं? अरे बोलना पड़ेगा यार, है कि नहीं है? हमेशा लिख सकते हैं ना 1 मोल ऑफ सोडियम एटम मतलब 6.023 × 10⁻², तो एनए एटम। हाँ सर ये तो हम लिख सकते हैं एज पर द स्टेटमेंट। अब रुक, अब एक एनए एटम का, ये तो एक एनए एटम है ना, एक एनए एटम का अपने पास वजन कितना, अपने पास कितना वजन निकला? 23 AMU। 23 AMU मतलब क्या? 23 प्रोटॉन्स। हाँ सर 23 प्रोटॉन्स। हाँ और प्रोटॉन का मास अपने पास है कि नहीं है? ओके तो 23 × प्रोटॉन मतलब 1.6 × 10⁻²⁷ kg। बोलो क्लियर है क्या? मानना पड़ेगा यार, ये तो मानना पड़ेगा, 23 × 1.6 × 10⁻²⁷ kg है कि नहीं है? अच्छा मतलब ये एक एटम का वजन है। अच्छा इसी को अगर मैं इस नंबर से इंटू कर दूं तो क्या एक मोल का वजन आ जाएगा? हाँ, क्योंकि एक मोल में तो इतना एटम होता है और एक एटम तो इतना होता है, यूनिटरी मेथड। अरे बचपन में क्लास 5 में पढ़े हो यार, यूनिटरी मेथड इंटू कर दो, तो मैंने इंटू किया, तुझे क्या पता चला 6.023 × 10⁻²⁰ × 23 × 23 × 1.6 × 10⁻²⁰ − 27 kg। बोलो क्लियर? हाँ इसको इंटू कर दो, देख सकते हैं। अच्छा ये प्लस 23 माइनस 27 कर दिया क्या, तो कितना आया? बोल 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 6.023 × 1.6 × 23 × 10⁻³ − 3 kg है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अब मेरे को ये बात बता, बढ़िया सुनना, अरे सॉरी माइनस फोर। अब मेरे को ये बात बता कि अगर 6.023 × 1.6, सुनना बढ़िया से,
6.023 इनटू 1.6 इन दोनों को इनटू करेंगे तो लगभग लगभग 9.7 9.8 आएगा। इसे मैं 10 मान सकता हूं, इसे मैं अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकता हूं 10। अब सोच अगर इसे तू अप्रोक्सीमेटली 10 माना तो ये 10 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 है तो ये माइनस 3 बन जाएगा ना, तो 23 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 बना लगभग लगभग केजी। अब तू मेरे को ये बात बता 23 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी मतलब क्या 23 ग्राम? अबे एक ग्राम मतलब तो 10 टू द पावर माइनस 3 किलो होता है ना। अरे यार ये तो समझ आना चाहिए ना, एक ग्राम मतलब 1/1000 किलो। बस तो इसे इसे सीधा लिख दिया मैंने 23 ग्राम। बोलो फील है क्या, 100% फील है क्या? साला इसलिए चिल्लाते हैं एक मोल ऑफ सोडियम मतलब 23 ग्राम। अरे क्लैरिटी है क्या, क्लैरिटी है क्या? बोलना पड़ेगा। अब तुम सोचो ये प्रूफ इतना ऑथेंटिक है, ये प्रूफ इतना ऑथेंटिक है, तुम साला कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछो, मैग्नीशियम एक मोल मैग्नीशियम कितना होगा? एक मिनट सुने बढ़िया से, एक मोल मैग्नीशियम मतलब एक मोल मैग्नीशियम में क्या इतना एटम होगा? एक मिनट, मजा तो अभी आएगा। एक मोल मैग्नीशियम मतलब क्या फिर से इतना ही एटम, और एक मोल मैग्नीशियम मतलब क्या 24 एमयू है कि नहीं? एक मोल एक एटम मैग्नीशियम का एक एटम तो 24 एमयू आएगा ना, तो मतलब 24 इंटू यही आएगा ना, जहां 23 था वहां 24 होगा। तो यहां इस लाइन में इस लाइन को देख साला, इस लाइन में चेंज क्या होगा रे? इस लाइन में खाली चेंज होगा ये 23 को, क्योंकि ये नंबर फिक्स है, ये 23 24 बनेगा, ये नंबर फिक्स है, माने पूरा कैलकुलेशन फिक्स है, खाली 23 बना 24 आ गया 24 ग्राम। इसके बोलते हैं एक मोल ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम, एक मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम। क्या तुम्हें आज का क्लास 100% क्लैरिटी है? देखो अपने को फील आना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। बोलो क्लियर है क्या 100%? अगर 100% क्लियर है तो आज को यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट टर्न में देखा जाएगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। सुने बढ़िया से, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आज को तुम लोग को पूरा क्लास समझ में आया है सो आप लोग मेरे को थोड़ा सा सब्सक्राइबर काउंट में हेल्प करिएगा, क्योंकि मेरा चैनल का सब्सक्राइबर काउंट थोड़ा कम है। प्लीज हेल्प मी आउट अगर तुम्हें फील आया तो। ओके बाय।